हेलो बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हमें यहाँ पे देखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार है ये जो हीट मिल रही है उसका ड्रॉबैक ही है। हाँ, कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे ये हीट है नहीं मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, ये हमारा जो टीवी है वो, टेलीविज़न, टेलीविज़न में भी हीट मिलती है जिसके में कहीं भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम जो बात करने वाले हैं वो यूज़ की बात करने वाले हैं। कहाँ पे ये जो हीट मिल रही है वो यूज़फुल है। तो कुछ ऐसी डिवाइसेज है जो हम नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं कि जहाँ पे ये जो हीट है वो यूज़फुल है, पहले तो वो सिर्फ लिस्ट कर लेते हैं। हीटिंग इज डिज़ायरेबल इन डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, जो पानी गर्म करने के लिए भी यूज़ होता है और रूम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक आयन, कपड़े प्रेस करने के लिए जब यूज़ करते हैं वो। इलेक्ट्रिक फ्यूज़, अभी देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में कैसे हीट है वो यूज़फुल है। इलेक्ट्रिक ओवन जो पहले आता था वो ओवन, अभी तो ओवन जो मार्केट में मिल रहे हैं वो माइक्रोवेव मिल रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिक ओवन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक टोस्टर, एट्सेट्रा, ये है वो है एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होती है वो होती है हाईली रेजिस्टिव मटेरियल, और ऐसा मटेरियल है वो है टंगस्टन। टंगस्टन का रेजिस्टर है वो, जो स्प्रिंग जैसा नज़र आता है ना बल्ब में, वो टंगस्टन का जो रेजिस्टर है बहुत ज़्यादा है, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा है। हमें एक रिलेशन मिला था, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, आपको याद होगा H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। यहाँ से हमें पता चलता है हीट है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रजिस्टर, जितना रजिस्टेंस ज़्यादा उतनी हीट ज़्यादा। तो जो पहले तो नोट कर लेते हैं, उसमें जो फिलामेंट होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में वो टंगस्टन मटेरियल की होती है, और टंगस्टन मटेरियल है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिस टेम्परेचर पे मटेरियल मेल्ट हो जाता है वो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है, 3380 डिग्री सेल्सियस जितना, उतना मेल्टिंग पॉइंट है। तो होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट इस फिलामेंट में से पास होगा, रेजिस्टर ज़्यादा होने की वजह से हीट भी वो ज़्यादा होगा। इतनी ज़्यादा हीट होती है फिर भी वो पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं हो जाता, बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत ज़्यादा है। तो वही बात पहले तो हम नोट कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन हीटिंग, ज़्यादातर हीट होने में ही चली जाती है, लेकिन फिर भी बहुत छोटी अमाउंट की एनर्जी है। वो लाइट में जाती है, उसकी वजह से बल्ब है, पहले तो वो ज़्यादा गर्म होगा, हीट होगा, हीट होने की वजह से हमें लाइट है वो मिलती है, और बल्ब है ऐसे ही वर्क करता है। उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए वो जो ग्लास का जो गोला होता है उसमें नॉन रिएक्टिंग गैस फिल किया जाता है। ऐसे नॉन रिएक्टिंग गैस है वो, एग्जाम्पल के तौर पर वो है एक नाइट्रोजन और दूसरा है वो है आर्गन। बल्ब फिल्ड विथ नॉन रिएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़।
आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फ्यूज, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर होता है उसके पास में रखा होता है एक सिरामिक जैसा मटेरियल होता है, उसमें अंदर वो ओपन आपको नहीं करना है, अगर वो ओपन करके देखो तो उसमें एक मेटेलिक वायर होता है, उसमें जो वायर यूज होता है वो कॉपर एल्यूमिनियम टिन ऐसा वायर यूज होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है। फ्यूज़ का यूज़ क्या है? फ्यूज़ है वो हमारा जो इलेक्ट्रिक पाथ है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्यों ब्रेक करने की ज़रूरत होती है? जब हाई इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, फ्लक्चुएट, हमें पता है हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी घर पे आती है वो फ्लक्चुएट होते हैं, फ्लक्चुएट मीन्स बढ़ती है कम होती है, अगर उतनी बढ़ जाए तो घर के जो भी जितने भी इम्प्लायंस है, आप टीवी देख रहे हो तो टीवी जल जाएगी, खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज बीच में एक सीरीज में डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने के लिए एक बल्ब है और मीटर में से ये दो वायर है, वायर है साथ में यूज़ किया जाता है, सीरीज में एक फ्यूज़ कनेक्ट किया जाता है। तो होगा क्या, अगर इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ने की वजह से हमें पता है एच इज प्रपोर्शनल टू आई स्क्वायर, आई बढ़ेगा तो एच है वो भी बढ़ेगा, तो हीट बढ़ जाएगी, तो ये जो वायर यूज़ किया है, जो फ्यूज़ यूज़ किया है, वायर है वो यहाँ से निकल जाएगा, तो हमारी सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगी, ओपन सर्किट हो जाएगी, और हमारा जो बल्ब है वो ऐसे ही रहेगा, खराब नहीं होगा। तो पहले तो इसके लिए पॉइंट नोट कर लेते हैं, जो भी बात में छोटी सी डिस्कस की वो इट इज अ डिवाइस, एक डिवाइस है जैसे आपको नजर आ रही है अभी वैसे ही, उसका यूज क्या है, विच प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ये ब्रेक हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास नहीं होगा। इन केस ऑफ, कब पास नहीं करने की जरूरत होती है, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग का मीनिंग क्या है, हाई सप्लाई। फ्यूज सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है, जैसे अभी हमने बात की वैसे उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज मीन्स लाइन कनेक्शन, जैसे एमीटर का कनेक्ट किया था वैसे ही। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ही वो पिघल जाएगा, अगर नहीं पिघलेगा तो आपकी सर्किट ब्रेक ही नहीं होगी और कंटिन्यूअस ओवरलोड करंट है पास होगा तो बल्ब जल जाएगा। इसके लिए लो मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर है वो यूज किया जाता है। तो ऐसे वायर कौन से होते हैं? तो वायर यूज इन फ्यूज आर मेड अप फ्रॉम कॉपर, कॉपर के भी हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के भी होते हैं, टिन, टिन है वो एक एलॉय है, एलॉय मीन्स मिक्सर, मेटल का मिक्सर, ऐसे वायर है वो यूज किए जाते हैं।